गुड मॉर्निंग क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कल हमने एक टॉपिक किया था पॉलीनोमियल्स, तो उसकी जो एक्सरसाइज है 2.4 वो ऑप्शनल पार्ट है आपका, मतलब आपकी मर्जी है उसको कर सकते हो या नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो आज हमने टॉपिक लिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे हमने पॉलीनोमियल्स में किया था, लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है, जहां डिग्री क्या होती है 1, जैसे ये लिया था मैंने, यहां x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो लीनियर पॉलीनोमियल था। अब इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर पॉलीनोमियल आगे इक्वलिटी का साइन होगा, तो यहां पे कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो ये हमारी बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। जैसे देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी, और पहले नाम क्या है इसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर होगा, पेयर मतलब जोड़ा होगा, ये किसका, लीनियर इक्वेशंस का। और लीनियर इक्वेशंस किसमें है, दो वेरिएबल्स में। जैसे ये आ गई लीनियर, मतलब डिग्री क्या होगी उनकी 1, डिग्री 1 होगी और वेरिएबल्स कितने होंगे 2। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वेयर ए बी एंड सी और रियल नंबर्स। ये ए बी सी जो दिए हुए ये क्या है, रियल नंबर्स, और उसके साथ ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो हमारा ए है ये 0 नहीं होना चाहिए, और ये जो बी है ये भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो ये हमारा वेरिएबल खत्म हो जाएगा, तो हमें एक ही वेरिएबल रहेगा, तो हमारे कितने वेरिएबल्स हैं 2। तो वैसे ही अगर बी 0 होगा तो ये टर्म खत्म, तो वेरिएबल एक ही बचेगा एक्स, वो नहीं, हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए 2। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स हमने कौन कौन से लिए हैं, एक लिया है एक्स, एक लिया है वाई, तो उसके अलावा आप एक्स जेड भी ले सकते हो, वाई जेड भी ले सकते हो, या पी क्यू भी ले सकते हो, आर एस भी ले सकते हो, एस टी भी ले सकते हो, ऐसे वेरिएबल्स आप ले सकते हो, इनमें दो दो वेरिएबल्स। तो ये क्या थी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और वैसे ही इसी टाइप की हमें दो लीनियर इक्वेशंस, मतलब पेयर में लेनी है। जैसे जनरल में हम लेते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। इन दोनों को साथ में लेंगे तो ये हमारा पेयर बन जाएगा, और ये कौन सी है, पेयर किसका, लीनियर इक्वेशंस का, और इन टू वेरिएबल्स। वही हमारा चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक बार दोबारा देखते हैं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स एक एक्स है, एक वाई है, और ए बी सी ये क्या है, 3 हमारे पास रियल नंबर्स, और ये जो हमारा ए है और बी है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी आगे लीनियर इक्वेशन। तो इसी टाइप की दो इक्वेशंस लेनी है हमने, तो ये ले ली, तो इसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, टॉपिक ले लूंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे, एक्सरसाइज 3.1। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज आ जाती है 3.1,
इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ऑफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। एक ऑफ्ताब है वो अपनी डॉटर के साथ बात कर रहा है, क्या बता रहा है उसको, 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ऑल्सो 3 times 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. ये हमें एक situation दी हुई है, हमें इसको algebraically भी दिखाना है और graphically भी दिखाना है। और ये जो linear equation होती है in two variables में, ये मतलब किसको रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। वैसे हमने इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली भी दिखाना है और ग्राफिकली भी दिखाना है। है क्या हमारे पास सिचुएशन, आफ्ताब है एक, वो अपनी बेटी से बात कर रहा है, वो क्या बोल रहे हैं उसको, 7 years ago मतलब 7 साल पहले वो अपनी बेटी से मतलब कितना बड़ा था, 7 times एंड 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल आगे जब होगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, I shall be 3 times as old as you will be. मतलब वो 3 साल जब उसकी आगे की फ्यूचर की एज होगी, उससे कितना है? 3 गुना बड़ा होगा। तो हमें इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली भी दिखाना है और ग्राफिकली भी। जैसे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं, ये आफ्ताब मैंने ले लिया x साल का और उसकी डॉटर ले ली y साल की, ये ले ली हमने प्रेजेंट एज, तो उसको 7 साल पीछे, 7 साल पीछे पीछे ले जाओ इसको 7 साल, तो x माइनस 7। जैसे आज आप 10 साल के हो, 7 साल पहले कितने साल के थे, 7 10 में से 7 निकालोगे 3 साल, वैसे ही x माइनस 7। तो जो उसकी डॉटर है उसको भी 7 साल पीछे ले जाओ, y माइनस 7, ये आ गई उनकी एज 7 साल पहले वाली। फिर उसके बाद 3 साल आगे ले जाओ, 3 साल प्लस हो जाएगा x प्लस 3, वैसे ही y में प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा y प्लस 3। ये उनकी आ गई प्रेजेंट एज, तो ये उनकी आ गई एक बार दोबारा देखते हैं, हमें इन दोनों की प्रेजेंट एज मालूम नहीं है। आफ्ताब की प्रेजेंट एज रख ली मैंने x और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज रख ली y, तो 7 साल पहले, 7 साल पहले मतलब -7 का दिन, x -7 तो y -7, 3 साल आगे, तो आज से 3 साल आगे 3 प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 और y प्लस 3। और क्या बोल रहा है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये आफ्ताब की एज है 7 साल पहले, ये उसकी डॉटर की एज है 7 साल पहले, तो इनमें क्या था, मतलब जो आफ्ताब था वो 7 गुना बड़ा था किसे, डॉटर से। ये हमारी पहली कंडीशन आ गई, तो फ्यूचर वाली कंडीशन क्या बोली थी उसने, ये आफ्ताब की एज थी 3 साल आगे, ये उसकी डॉटर की थी, तो आफ्ताब जो था अपनी डॉटर से 3 गुना बड़ा था, मतलब डॉटर की एज को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसकी एज बन जाएगी, आफ्ताब की। तो बस इसी को हमने एल्जेब्रिकली दिखाना है और ग्राफिकली दिखाना है। लिख लेते हैं थोड़ा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू एक्स ईयर्स and the present age of his daughter y years, और उसकी daughter की age क्या है, y years, 7 years ago 7 साल पहले, तो ये बताया ना 7 साल पहले, मतलब माइनस कर देना है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, ऐसे अभी आप 15 साल के हो, तो 7 साल पहले कितने साल के थे, 15 में से आप 7 निकाल लोगे तो कितने साल के थे, 8 साल के, वैसे ही
age of Othon equals to x minus 7 years. Age of his daughter y minus 7 years. According to question, क्वेश्चन में क्या दिया था, आफ्ताब की एज अपनी डॉटर की एज से क्या है, 7 गुना, मतलब 7 टाइम्स बड़ी। तो डॉटर की एज को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो किसकी एज बन जाएगी, आफ्ताब की। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7 का 49। वेरिएबल से एक साइड करेंगे और जो कॉन्स्टेंट है उनको दूसरी साइड शिफ्ट कर लेंगे। तो ये आ गई हमारी पहली कंडीशन। वैसे दूसरी वाली कंडीशन है 3 टाइम्स वाली, तो उसको देखते हैं। Years hence, मतलब 3 साल आगे ले जाना। Age of Aftab equals to x plus 3 और age of his daughter y plus 3 years according to question। आफ्ताब जो था अपनी डॉटर से 3 गुना बड़ा था, मतलब डॉटर की एज को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसकी एज बन जाएगी, आफ्ताब की। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, x plus 3 equals to 3y plus 9। तो वेरिएबल एक साइड कर लेंगे, बिना जो कॉन्स्टेंट्स है उनको दूसरी साइड, तो आ जाएगा हमारा x minus 3y is equals to 6। ये आ गई हमारी दूसरी कंडीशन, ये आ गई पहली, ये आ गई दूसरी। तो ये हमने इनको दिखा दिया अल्जेब्रिकली, अब हम इसको कैसे दिखाएंगे ग्राफिकल। एक बार दोबारा देख लो, ये हमारी आफ्ताब की एज थी x, ये उसकी डॉटर की एज थी y। 7 साल पहले, मतलब 7 साल कम कर लेने हैं, तो x माइनस 7 y माइनस 7, तो 3 साल आगे x प्लस 3 y प्लस 3। तो इन दोनों में क्या बोला था उसने, आफ्ताब जो था अपनी डॉटर से 7 टाइम्स क्या था, बड़ा। तो इसका मतलब आफ्ताब की एज कैसे मिलेगी हमें, डॉटर की एज को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही जो आफ्ताब था इधर, वो 3 टाइम्स बड़ा था अपनी डॉटर की एज से, तो इसका मतलब डॉटर की एज को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आफ्ताब की एज आ जाएगी। तो इसी को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमें दो इक्वेशंस मिल गए। तो ये हमने इनको क्या दिखा दिया अल्जेब्रिकली, अब हम इनको कैसे दिखाएंगे ग्राफिकली। ये इक्वेशंस मैंने इधर लिख ली, पहली इक्वेशन है हमारी x माइनस 7 y इज इक्वल टू माइनस 42, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3 y इज इक्वल टू 6। अब हम इसको ग्राफिकली दिखाएंगे,
पहले हमने इसको अलजेब्रिकली दिखा दिया, अब हम इनको ग्राफिकली दिखा लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस 42। यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। तो यहां हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली आती जाएगी। देयरफॉर सॉल्यूशन टेबल इज ये x और ये y, ये थोड़ा रफ पे कर सकते हो आप। y की वैल्यू यहां पे ले लो कुछ भी, जैसे x क्या है माइनस 42 प्लस 7y, पुट कर लो y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, 0 ले लो या कुछ और भी ले सकते हो, बड़ा ले लो 42 ले लिया, y क्या ले लिया 42, तो x इज इक्वल टू कुछ और ले लो, 42 ज्यादा बड़ा रहेगा, 6 ले लिया, y क्या ले लिया 6, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 42 प्लस 7 इंटू 6 42, तो 42 में से 42 निकला 0। y की वैल्यू हमने ली 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो वैसे ही एक दो और ले लो, एक ये ली, पुट y इक्वल्स टू 5 ले लिया, तो दिस इंप्लाइज x is equals to minus 42 plus 7 into 5, minus 42 plus 35, तो plus minus कर सकते हो आप, तो आ जाएगा minus 7। तो जब आपने y 5 लिया तो x की वैल्यू आ गई minus 7, दो वैल्यू हो गई 3, कम से कम आपने 3 वैल्यू ले ली, तो तीसरी ले लेते हैं, पुट कर लो, 6 भी कर लिया 5 भी कर लिया 7 पुट कर लो, पुट y इक्वल्स टू 7, तो x कितना आ जाएगा माइनस 42 प्लस 7 इनटू 7, माइनस 42 प्लस 7 7 तो 49, 49 में से जब 42 निकालोगे तो 7, मतलब आपने y की वैल्यू 7 रखी तो x की वैल्यू भी आ गई 7। वैसे आप y की वैल्यू रखते जाओ तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकलते चलेगी, तो कम से कम आपने 3 वैल्यूज लेनी है, तो 3 ले ली, आप 3 से ज्यादा भी ले सकते हो, मतलब 3 तो लेनी लेनी है आपको। फिर उसके बाद हम सेकंड इक्वेशंस पे आ जाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारे पास, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, यहां से x की वैल्यू 6 माइनस माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस 6 प्लस 3y, तो फिर यहां भी वैल्यू पुट करनी है y की, तो x की निकालनी है, देयरफॉर सॉल्यूशन टेबल इज ये आ गया x और ये आ गया y, वैसे इनकी वैल्यू निकाली है, जैसे ये हमने निकाली, अब इस पार्ट में निकालती है, x is equals to 6 plus 3y, ये हमारे पास y की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, पुट y equals to कुछ भी कर सकते हो आप, जैसे 0 ले लिया, तो this implies x is equals to 6 plus 3 into 0,
सिक्स प्लस जीरो तो कितना आ जाएगा सिक्स। वैसे ही और एक दो वैल्यूज ले सकते हो, पुट y इक्वल्स टू फाइव ले लिया तो x कितना आ जाएगा सिक्स प्लस थ्री टू फाइव, सिक्स प्लस थ्री फाइव का फिफ्टीन, फिफ्टीन और सिक्स कितना हो गया ट्वेंटी वन। फिर वैसे एक और ले सकते हो आप, पुट y इज इक्वल्स टू थोड़ा बड़ा नंबर ले सकते हो आप, 12 ले लिया, x is equals to 6 plus 3 into 12, 6 plus ये कितना आ गया 36, 36 और 6, 42। तो ये वैल्यूज लगाते जाएंगे, पहले सबसे पहले आपने y लिया 0, x कितना आ गया आपका 6, फिर आपने y लिया 5, तो x कितना आ गया 21, उसके बाद आपने क्या लिया y लिया 12, तो x आपका आ गया 42। तो फिर इसको कर सकते हो आप आगे, फिर ग्राफ से आपने दिखाना है, आपने नाइन्थ में भी ग्राफ ड्रॉ किए होंगे लीनियर इक्वेशंस के, वैसे ही हमने इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है इसका भी, तो जहां पे ये दोनों मीट करेंगे तो वो इनका सॉल्यूशन आ जाता है। तो देखते हैं हम थोड़ा सा ग्राफ, ग्राफ ऑफ ग्राफ कॉपी होगी तो उस पे एग्जैक्ट आ जाएगा, यहां पे इतना एग्जैक्ट नहीं आएगा। चलो तो अभी ट्राई करते हैं हम, ये आ जाएगी हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आ जाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहां पे ये दोनों मीट कर रही है, तो इसको ओरिजिन बताया था एक दिन पहले भी, इसको ओरिजिन बोलते हैं, और यहाँ पे x की वैल्यू भी जीरो होती है और y की वैल्यू भी जीरो होती है। तो वैसे इस साइड हमने पॉजिटिव साइड चलना है, तो x की वैल्यू लेते जाएंगे, 5-5 का यूनिट ले लिया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। ग्राफ कॉपी पे एग्जैक्ट आ जाएगा, तो आप एक बॉक्स को 5-5 का ले सकते हो। वैसे इस साइड नेगेटिव साइड पे -5, -10, -15, बस ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है। वैसे ही वाई एक्सिस पे भी लेते जाएंगे हम, और थोड़े नंबर ये कम कम ही है तो हम इनको ज्यादा गैप दे सकते हैं, 2-2 का ले सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 चलते जाएंगे। वैसे ही नेगेटिव साइड ले सकते हो, -2, -4, -6, -8, so on। फिर आप बारी बारी, पहले हम इसको देखेंगे x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 6। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 यहां पे, y की वैल्यू क्या है 6, y कहां है 6, ये इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 6। वैसे आप यहां पे चलेंगे दूसरी वैल्यू पे, x की वैल्यू है -7 और y की वैल्यू क्या है 5। -7 यहां कहीं होगा और y की वैल्यू क्या है 5, 4 और 5 के बीच, तो ये यहां कहीं पॉइंट आ जाएगा हमारा, ग्राफ पे एक्सेंट आ जाता है। तो उसके बाद दूसरी ये थर्ड वैल्यू पे आ जाएंगे 7 और 7, मतलब x की वैल्यू भी 7 है और y की वैल्यू भी 7 है, 5, 6 और 7 यहां कहीं, तो इसके ऊपर चलते जाओ और 6 और 7 यहां पे हमें कोई पॉइंट मिल जाएगा, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, स्केल के साथ करते हैं अपने पेंसिल और स्केल के साथ।
तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन थी? इसके ऊपर आप नॉर्म लिख सकते हो, x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस 42। वैसे हमारा ये सेकंड है, सेकंड को भी हम ड्रॉ करेंगे। पहले y की वैल्यू क्या है? जीरो। y की वैल्यू जीरो कहां पे होगी? x एक्सिस के ऊपर। तो और x की वैल्यू क्या है? सिक्स। पांच और छह यहां, यहां पे। फिर उसके बाद y की x की वैल्यू 21 और y की वैल्यू 5। 21 यहां कहीं, 5 4 और 5 यहां से देखोगे y की वैल्यू, यहां से देखोगे x की वैल्यू। दो पॉइंट आ गए। तीसरा पॉइंट क्या है? x की वैल्यू है 42 और y की वैल्यू है 12। y की वैल्यू 12, इसके साथ 42 ये यहां पे, तो ये टच करनी है। तो ये जो हमारी दूसरी आ गई, इसका है x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स। ये इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन जब आप ग्राफ पे बनाओगे पेंसिल और स्केल के साथ एकदम एग्जैक्टली है। तो जहां पे ये मीट करेंगी, ये इनका क्या आ जाता है? सॉल्यूशन। तो ये हमने दिखा दिया इनको ग्राफिकली, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस थी और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को। और ये हमने ग्राफिकली दोनों लाइंस को ड्रॉ किया, जहां पे ये दोनों टच करेगी वो इनका सॉल्यूशन रहेगा, अगर टच नहीं करेगी तो इनका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट का निकल। ओके, थैंक यू।